आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या ब्रिज हेड पोजीशन पर SN1 SN2 पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो किन केसेस में है और नहीं है तो कहां नहीं है, ये सारी चर्चाएं आज हम इस चैप्टर में, इस सेशन में करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं ब्रिजहेड पोजीशन पर SN1 SN2। स्टूडेंट्स देखिए, पहले तो समझते हैं कि ये ब्रिजहेड पोजीशन क्या है। आप यहां देख सकते हैं, हमने आपको डायग्राम्स दिखाए हैं और इस डायग्राम में आप ये पोजीशंस देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर जंक्शन से, कार्बन से इस पार्टिकुलर कार्बन तक यहां पर एक ब्रिज का निर्माण है जो बीच में एक कार्बन की संख्या करता है, यहां पर CH2 ग्रुप लगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है 6 मेंबर, इसके इन दो कार्बन के बीच में ये एक हमने ब्रिजिंग बनाई है और ये पोजीशन जो होती है, देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन्स जो हैं ये ब्रिज हेड पोजीशन पर हैं। किस पर हैं? यही कहलाती है ब्रिज हेड पोजीशन। इसी प्रकार यहां पर भी देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक साइकिल ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की साइकिल में यहां पर एक ब्रिजिंग हमने आपको बना के दी है। ये आप देख सकते हैं ब्रिजिंग है और यहां पर इस ब्रिजिंग में ये एक ब्रिजहेड पोजीशन है और ये भी एक ब्रिजहेड पोजीशन है। फिलहाल अनसब्स्टिट्यूटेड है, वहां हाइड्रोजन लगा होगा। तो हमने अभी आपको बताया क्या होती है ब्रिजहेड पोजीशन। अब यहीं पर हम हेलोजन या कोई लिविंग ग्रुप लगाकर इसको टेस्ट करेंगे, क्या वहां SN1 SN2 हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कहां हो सकता है, ये सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। अब हम अगला अपना उदाहरण, अपना जो केस लेते हैं वो SN2 का, और यहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्डिक्ट दिया हुआ है, SN2 मैकेनिज्म इज इम्पॉसिबल एट ब्रिज हेड पोजिशन। तो ये बात मेरी लेकर जाइए, इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक अवे कि कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन, आप यहां सबस्ट्रेट हमने देखी, यहां पे हमने आपको 2.2.1 का एक ब्रिज हेड सबस्ट्रेट दिखाया है, यहां पर देख सकते हैं कि ये ब्रिज हेड पोजीशन पर ये Cl रूपी लिविंग ग्रुप लगा है और ये न्यूक्लियोफाइल वेट करता रह जाएगा लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये SN2 कर दे, क्योंकि SN2 ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं होता है। तो यहां पर इस बात को विशेष ध्यान रखें, यहां पर जो रिंग की साइज है, जो रिंग की साइज है वो मायने नहीं रखती है। बस आपको यही ध्यान रखना है, चाहे जो हो आपको ब्रिजहेड पोजीशन पर SN2 नहीं करना है। अब यहां पर क्या समस्या है, इस समस्या को जरा हम लोग थोड़ा पॉसिबल वे में देखते हैं, क्या यहां समस्या हो सकती है। अब आप जानते हैं जब भी आप SN2 की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक बैक साइड अटैक करना है, तो ये कार्बन है जिस पर लिविंग ग्रुप Cl जुड़ा है, आपको बैक साइड अटैक करना होगा जो SN2 का ट्रेडमार्क होता है। बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल, चलिए इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं कि क्या ये बैकसाइड अटैक कर पाएगा। ये यहां तक पहुंच गया और इसको अब अंदर की तरफ इंट्रूड करना है, लेकिन तभी वो देखता है यहां पर बहुत बड़े बड़े बल्कि ताकतवर बॉडीगार्ड हैं जो पीछे से बैकसाइड को वहां पर सिक्योरिटी के तौर पर खड़े हैं और इसको अंदर ही नहीं जाने देंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार की जो ब्रिजहेड पोजीशन होती है उसके पीछे ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा कार्बन का एक ढांचा होता है, ये पीछे से आने ही नहीं देगा न्यूक्लियोफाइल को अपने स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस को लेकर SN2 बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, कहीं भी इस प्रकार की जब उसको गतिरोध मिलता है, अवरोध मिलता है, तो SN2 वहां पॉसिबल नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चरल जो हिंड्रेंस है दैट डज नॉट परमिट SN2 टू हैपन। तो ये हमने आपको SN2 की बात बताई, यहां पर कोई भी साइज हो मायने नहीं रखता, नहीं तो नहीं। आगे का जो केस है, यहां पर हमने कुछ आपको उदाहरण दिए, बहुत ही चर्चित उदाहरण है।
ये हमने 2.2.2 स्ट्रक्चर लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं इसको एथॉक्साइड के प्रेजेंस में घंटों रिएक्शन कराया गया, लेकिन अंत में यही पाया गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, SN2 की कंडीशन रखी गई। इसी प्रकार 3.3.1 की सिचुएशन में हमने फिर रिएक्शन कराया फिंकलस्टीन, इस रिएक्शन को बहुत फेमस बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहां पे आई माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है एसीटोन जो कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है SN2 के लिए, फिर भी यहां पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ऑल्दो हमने एसीटोन लेके रखा है क्योंकि यहां पर उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, ये आई माइनस लाख कोशिश कर ले इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बड़े बड़े वहां पर सिक्योरिटी बॉडी गार्ड लगे हुए हैं स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करने के लिए, एंड फॉर दैट रीजन SN2 इज नॉट हैपनिंग। अगला केस हम उठाएंगे हमारे SN1 का जहां पर ज्यादा वैरायटी है, कुछ केसेस में होगा कुछ में नहीं होगा, कहां होगा कहां नहीं होगा इसको हम शार्पली डिफाइन करने वाले हैं। SN1 देखिए यहां क्या स्टेटमेंट है, रिएक्शन फेल्स और प्रोसीड्स वेरी स्लोली एट ब्रिज हेड ऑफ 2.2.1 सिस्टम। आपको सवाल 99.9% उम्मीद है कि आईटी जब भी देगा इस प्रकार से 2.2.1 सिस्टम देगा, नॉर बॉर्नेल सिस्टम होता है और यहां पर नहीं होता है SN1, लेकिन अगर साइज बढ़ाई जाए तो SN1 की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और SN1 होना शुरू हो जाता है। यही डिफरेंस है SN1 और SN2 में, SN2 में नहीं तो नहीं, SN1 में हाँ चांसेस हैं, अगर साइज ग्रो की जाए रिंग की तो ब्रिज हेड पोजीशन पर भी SN1 पॉसिबल है। तो यहां पर हमने लेकिन खास विशेष तौर पे 2.2.1 का यहां पर बोला है नहीं होना है, आपको उदाहरण बता रहे हैं। ये देखिए 2.2.1 का एक सिस्टम हमने लिया हुआ है, ये ब्रिज हेड पोजीशन पर ये लिविंग ग्रुप CL है, इसको घंटों 21 घंटे तक 30% KOH 80% एथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, देखिए SN1 की कंडीशन बहुत शार्प है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी बन रहा है, अगर आप निकाले तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया है 21 घंटे तक गर्म नहीं बॉयल कर रहे हैं, नो रिएक्शन क्योंकि ये नॉर बॉर्नेल सिस्टम है 2.2.1 जहां पर SN1 नहीं होता है। अब इसके पीछे जो कारण है वो बहुत ही टेक्निकल है, यहां पर रीजन क्या है, कार्बोकेटायन फेल्स टू अज्यूम प्लेनारिटी। यहां पर मान लीजिए अब देखिए ये जो नॉर्बॉर्नल सिस्टम था, यहां से अगर आप सीएल को बाहर निकालते हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज sp2 होगा और उसके लिए प्लेनारिटी चाहिए, लेकिन यहां प्लेनारिटी ढांचे की रिजिडिटी की वजह से, इस जो ब्रिज हेड पर ढांचा ऐसा होता है उसकी वजह से यहां प्लेनारिटी पाना असंभव है। आप देखिए यहां पर, आप देखिए जैसे ही यहां पर सीएल लगा था हमने उसको निकाला प्लस चार्ज आया, ये देखिए सीधा नहीं ऐसे तिरछा है, ऐसे ये पिरामिडल टाइप में है, तो ये प्लेनर नहीं हो पाता क्योंकि ये जो पीछे का ढांचा है इस प्रकार का ये इसको प्लेनर होने नहीं देता। तो ये जो छोटी रिंग्स होती है 2.2.1 की, यहां पर ब्रिज हेड पोजीशन पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो प्लेनर स्ट्रक्चर अज्यूम नहीं कर सकता, इस वजह से यहां SN1 पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम रिंग की साइज को बढ़ाते हैं तो साइज परमिट करती है ब्रिज हेड पोजीशन पर प्लेनर कार्बोकेटायन के लिए, और तब जाके SN1 की पॉसिबिलिटी होती है, और ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखिए एट ब्रिज हेड SN1 पॉसिबल यस, बट यू नीड टू हैव लार्जर रिंग्स। कौन सी रिंग? लार्जर रिंग्स होनी चाहिए, उसके उदाहरण देखिए 2.2.2 3.1.1 3.2.2 ये सारे सिस्टम में हमने देखिए जो रिंग का साइज है, देखिए यहां पर 3 कार्बन की, यहां भी 3 कार्बन, जैसे जैसे आप जो कार्बन की श्रृंखला है उसको बढ़ाएंगे रिंग का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है वहां पर जगह मिलती है फैलने की और प्लेनारिटी। अब इन सब केसेस में अगर आप कार्बोकेटायन बनाएंगे तो जब ये प्लस चार्ज यहां आएगा तो ये कार्बोकेटायन फ्लैट होंगे, और फ्लैट अगर होंगे
तो वहां पर उसकी गुंजाइश हो जाएगी कार्बोकेटायन की और वो बनेंगे और SN1 रिएक्शन होगा। तो आज हमने आपको वो सारे केसेस बताए जहां पर SN1 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां नहीं हो सकती है। SN2 के बारे में खास हमने आपको कॉशियस किया कि वहां नहीं तो नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से डिजाइन किए जा सकते हैं, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। और इसी प्रकार की और भी चीजें बहुत ही जल्दी हम आपके लिए वीडियोस में लेकर आते रहेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां E1 E2 E1 CB ये तीन मैकेनिज्म हमारे कोर्स में हैं। हम इन तीनों को पहले इनके फंडामेंटल्स को अगले वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, फिर एक एक केस को लेकर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, कहां क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या फीचर का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। इस बीच आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।